नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। MIMIM के प्रदेश अध्यक्ष को फोन पर धमकी मिलने से सनसनी फैल गई। प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस के आला अधिकारी को ट्वीट कर जानकारी दी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। आजमगढ़ जिले के अहिरौला थाना क्षेत्र के माहौल कस्बे के रहने वाले शौकत अली MIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका आरोप है कि वे एक निजी कार्य से लखनऊ जा रहे थे। इस दौरान जब वे सुल्तानपुर के समीप पहुंचे, तभी एक व्यक्ति ने शौकत को फोन किया। फोन करने वाले ने जब अपने को आजमगढ़ जिले के तकिया मोहल्ले का निवासी बताते हुए जान से मारने की धमकी दी। फोन पर मिली धमकी के बाद शौकत सकते में आ गए। इसके बाद उन्होंने यूपी पुलिस और पुलिस विभाग के अधिकारियों को ट्वीट कर जानकारी दी। ट्विटर पर शिकायत मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। शौकत का कहना है कि उन्हें पहली बार जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष की तहरीर पर अरोला थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। अपने निजी काम से लखनऊ जा रहा था तो सुल्तानपुर के आसपास में पहुंचा था। मेरे मोबाइल पे एक नंबर से फ़ोन आया और उसने कहा कि आप शौकत बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से रात का 12 और 1 के बीच में। तो मैंने कहा हाँ, मैं शौकत बात कर रहा हूँ, बताइए क्या है। वो अनाप शनाप बकने लगा और उसने जो भी गालियाँ देनी थी उसने अशब्द बोले। साथ ही साथ उसने एक अल्फाज उसने कहा कि साले मैं फाड़ करके रख दूँगा, तुमको पता नहीं चलेगा कहाँ जाओगे। तो मैंने कहा कहाँ से बात कर रहे हो, कौन हो तुम, मामला क्या है। बोले मैं आजमगढ़ से बात कर रहा हूँ, तकिया का रहने वाला हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम बताओ तो मैं वहीं आ जाता हूँ, या आ जाओ तुम मेरे पास बैठो, जो भी मामला था तुम क्या मामला क्यों। बोले साले बस कह दिया ना कि फाड़ के रख दूँगा, फिर फ़ोन कट हो गया। तो उस संबंध में मैंने फौरन अपने निजी ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और DIG रेंज आजमगढ़, UP पुलिस, आजमगढ़ पुलिस को मैंने इत्तला की और मेरे पास फौरन रिप्लाई भी आई पुलिस प्रशासन की कि आप अपने स्थानीय थाने पे जाकर के इसकी लिखित में शिकायत दें। तो मैंने अपने थाने, चूँकि मैं थाना अहरौला का रहने वाला हूँ, तो अहरौला थाने पे माननीय SO महोदय को मैंने रिटर्न में दे दिया है। अब आगे की कार्रवाई जो होगा पुलिस देखेगी। उस फेसबुक वगैरह पे तो अशब्द लिखे ही जाते हैं, लेकिन इस तरीके की कोई धमकी मेरे पास पहली मर्तबा आई है। इस तरह की एप्लीकेशन मैंने थाना अध्यक्ष से बात की है और उन्होंने दिया है और इस पर मुकदमा कायम हो रहा है। मुकदमा कायम करके जिस फ़ोन नंबर से उनको धमकी आई है उस पर कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही गिरफ्तारी होगी इसमें।